गोवा के वालपई से कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने विधायक पद और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राणे ने अपना इस्तीफा गोवा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर सिद्धार्थ श्रीपद को दिया है। प्रोटेम स्पीकर ने राणे से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। विश्वजीत राणे ने गोवा में कांग्रेस के सरकार नहीं बनने के लिए प्रभारी दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया था। साथ ही आज विधानसभा में पर्रिकर सरकार के विश्वास मत में भी हिस्सा नहीं लिया। हमारे संवाददाता राजीव रंजन इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, इस्तीफा तो दे दिया है लेकिन कुछ ये क्लियर किया है, क्या वो बीजेपी अब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो फिर से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, मैं जिस तरीके से वोटिंग के दौरान बाहर चले गए और वोटिंग के दौरान बाहर फिर अंदर नहीं आए, लिहाजा अपने आप में ही तो कांग्रेस के लोगों का विरोध उनका जाहिर हो गया था। लेकिन अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि वो बीजेपी में जाएंगे या किस तरीके से। लेकिन दो दिन पहले जब हमारे ही चैनल पर वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सीधा कहा था कि आज तक मैं कांग्रेस में हूँ, इसके बाद कल का कहाँ होगा, कल का कहाँ रहूंगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब सरकार दो जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा, इसके बाद ही निश्चित हो पाएगा कि आखिर उनका खुद का क्या रुख है, ये तभी तय हो पाएगा। जी, विमान सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट ये कांग्रेस के लिए।